नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है एक और फिर से अपने यूट्यूब चैनल नितिन शर्मा मैथ्स, और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या एचटेट एग्जाम 18 दिसंबर 19 दिसंबर को होगा या आगे एक्सटेंड होगा। इस सवाल का जवाब भी लेंगे और क्यों होगा, आगे एक्सटेंड होने की क्या संभावना है, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब ये सवाल उठकर आने लगा है कि सर अब समय कम रह गया है, मुश्किल से 30-35 दिन का समय बचा है, तो आने वाला जो एक्सटेट एग्जाम है पीजीटी मैथ्स, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, काफ़ी बड़ा कोर्स है, उसकी तैयारी कैसे होगी, किस प्रकार से प्रिपरेशन करें। तो एक मास्टर प्लान मैं आपको बताने वाला हूं 30-40 डेज में किस प्रकार से तैयारी करनी है, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास में, आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप एक प्लानिंग कर पाओगे, स्ट्रेटेजी बना पाओगे कि तैयारी किस प्रकार से करनी है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जो कि भिवानी बोर्ड द्वारा आया हुआ है। आज दोपहर के बाद ये नोटिफिकेशन हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर आया। इससे पहले पिछले 4-5 दिनों से चर्चा चल रही है कि ये स्टेट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है, जबकि ऐसा ऑफिशियल नहीं आया हुआ था। अभी आज दोपहर के बाद यानी कि 15 नवंबर के दोपहर के बाद ये नोटिफिकेशन आया हुआ है वेबसाइट पर। तो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 दिसंबर शनिवार और 19 दिसंबर रविवार को पीजीटी लेवल 1, 2 और 3 तीनों लेवल के एग्जाम होंगे, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन से क्लियर हो रहा है कि एचटेट एग्जाम 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को ही होगा। अब तक तो हाल फिलहाल यही कहा जा रहा है जैसा कि ऑफिशियल आया हुआ है, क्योंकि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, कोई नया चेंज नहीं आ जाता, तब तक हम इसी नोटिफिकेशन को मानकर तैयारी करेंगे कि 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को ही एग्जाम होगा बस। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ और पिछले जो अब तक स्टेट एग्जाम हुए हैं उनको ध्यान में रखकर हम ये कह सकते हैं कि स्टेट एग्जाम थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि स्टेट एग्जाम को भी कुछ मुद्दा सामने आ रहा है कि स्टेट एग्जाम भी दिसंबर में 18-19 तारीख के आसपास स्टेट जो संडे आएगा उस एग्जाम को होने की संभावना है। तो एस्टेट एग्जाम को आगे पोस्टपोन होने की संभावना है और वो महज 10 या 15 दिन हो सकता है। तो अभी एस्टेट एग्जाम 18 और 19 दिसंबर को दिखाई पड़ रहा है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि एस्टेट एग्जाम संडे और सैटरडे है ना, इन दो दिनों को ही रखा जाता है, और उसका रीजन भी होता है कि बहुत से स्कूलों में सेंटर आता है तो वहाँ पर स्कूलों की छुट्टी करनी होती है, तो संडे वो वहाँ पर यूज हो जाता है, हॉलीडे यूज हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम जो एग्जाम होते हैं, जो भी कंपटीशन के होते हैं, जहाँ पे स्कूल लेवल पर कंडक्ट किए जाते हैं, वो सैटरडे संडे को ही रखे जाते हैं। तो अगर ये एग्जाम एक्सटेंड होगा दिसंबर वाली डेट के, तो नेक्स्ट सैटरडे संडे को अगर अगले नेक्स्ट वीक में अगर रखा जाए, एक्सटेंड किया जाए, तो ये आपका 25 और 26 दिसंबर को हो सकता है। और अगर हम ये कहें कि एक वीक और आगे हो जाए तो ये जनवरी तक जा सकता है, और जनवरी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एक्सटेंड होकर 1 और 2 जनवरी तक ये एग्जाम जा सकता है सैटरडे संडे। तो ये 3 पॉसिबल डेट्स हैं और अब ये धीरे धीरे आपको भी आगे मालूम हो जाएगा। अभी फिलहाल तो 18 दिसंबर 19 दिसंबर मानी जा रही है, लेकिन चांसेस हैं, कुछ संभावनाएं ये हैं कि अगर एग्जाम एक्सटेंड हुआ, डेट एक्सटेंड हुई, तो ये 25-26 दिसंबर या 1 या 2 जनवरी को हो सकता है। और पिछला शेड्यूल देखें तो पिछला जो एग्जाम हुआ था स्टेट का, वो भी उसकी भी डेट पोस्टपोन हुई थी यानी कि एक्सटेंड हुई थी, और वो भी जनवरी में जाकर हुआ था। तो संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास देखा जाए तो 30 से 40 दिन का समय अभी है। आप 30 दिन का प्लान बना के तैयारी कीजिए। अगर 10 दिन और आगे मिल जाते हैं आपको तो अच्छी बात है, आप उसमें और अच्छे तरीके से रिविजन कर पाएंगे, अपनी तैयारी को अच्छा कर पाएंगे। तो ये तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल की बात हो गई। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि इन 30 से 40 दिनों में तैयारी किस प्रकार से करनी है, और इस तैयारी को लेकर मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आपने ये वाला वीडियो जरूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में ये सारा बताया हुआ है कि एस्टेट पीजीटी मैथ्स एग्जाम जो हुआ है पिछले 3 सालों की बात करें, 2018, 2019 और 2020, पिछले इन 3 सालों में किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो ये वीडियो देखने के बाद जो मैंने आपको बताया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर को पहले पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अभी समय कम रह गया है, तो कम समय में उन्हीं चैप्टर्स पर फोकस करना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को देखना है, और इस वीडियो में मैंने सारा एनालिसिस कर रखा है कि 18 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, 19 में कितने आए, 20 में कितने आए। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, यहाँ से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन से चैप्टर पहले पढ़ लेने चाहिए हमें, ठीक है। अब ये तो 30 से 40 दिनों की तैयारी करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आपका एग्जाम 18 दिसंबर 19 दिसंबर को होता है, तो 30 दिनों में आपको डेली एक चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर आप ही सोच रहे होंगे, सर एक दिन में एक चैप्टर तो नहीं पढ़ा जा सकता, बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, फ्रेश हैं, ये इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई करेंगे, तो अभी समय कब रहेगा? क्योंकि मैंने पिछले 2 महीने से आपको कहता हुआ आ रहा हूँ कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो समय कब रहेगा, अभी से तैयारी के लग जाइए। लेकिन कुछ लोगों ने नोटिफिकेशन का इंतजार किया और वही हुआ है, समय कम रह गया है। और अभी भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक बेहतर प्लानिंग की जरूरत है, एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि 30 दिनों में किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, जो लोग अभी तैयारी करना चाहते हैं। और खास तौर से ये जो कोर्स आपको दिख रहा है, ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में तैयारी करके तो जाते हैं लेकिन 4 या 5 मार्क्स से रह जाते हैं, ठीक है। वो इनको ये लगता है कि मैथमेटिक्स में 2 क्वेश्चन और ठीक हो जाते, 4 क्वेश्चन और ठीक हो जाते, या 5 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो मेरा क्वालिफाई हो जाता। तो देखिए, जब भी आपकी 2-4 नंबर से कमी रह जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एक जो स्पीड है काम करने की, पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, ये स्पीड आपकी कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है। क्योंकि एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि सारे क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको पहले कर लेना चाहिए और कौन से क्वेश्चन ऐसे जिनको छोड़ देना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि उन क्वेश्चनों में, उन सवालों में फंस जाते हैं जो हमें आते तो हैं लेकिन वो समय बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये टेक्निक भी सीखनी होगी। उसके लिए आपको ये जो क्वेश्चन पैटर्न होता है उसको समझना होगा कि कौन सा क्वेश्चन समय ज़्यादा लेगा, तो उसको स्किप करें और उन क्वेश्चनों पर फोकस करें, उन क्वेश्चनों को पहले अटैम्प्ट करें जो जल्दी हो जाते हैं, जो ट्रिक से होते हैं। हर मैक्सिमम क्वेश्चन देखे जाएंगे स्टेट में ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन ट्रिक आपको याद है, क्वेश्चन उस प्रकार के पहले प्रैक्टिस किए हुए हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन आपने हल किए हुए हैं, माफी चाहूँगा, तो आप उन क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगी। मैं 30 से 40 दिनों में आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप 40 दिन मान के चलिए, एग्जाम 5-7 दिन एक्सटेंड जरूर होगा, ठीक है। तो इन 40 दिनों में किस प्रकार से तैयारी करनी है, इस कोर्स के माध्यम से आप सीख सकते हैं। पहले ये जो कोर्स था ये 4,000 रुपये का था, यानी कि 3,999 का था। अभी समय कम रह गया है तो कम समय को देखते हुए इस कोर्स की फीस भी कम कर दी गई है। 1999 में आपको ये कोर्स मिलेगा, 40 डेज का कोर्स रहेगा। जिस दिन आप कोर्स ज्वाइन करेंगे वो आपका पहला डे काउंट होगा, उसी दिन से पहला डे काउंट हो जाएगा और अगले 40 दिन तक चलेगा। तो एग्जाम में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ये सेल्फ रिविजन कोर्स रहेगा, आपको खुद से वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। मैक्सिमम तैयारी तो आपको वीडियो लेक्चर्स देखने से ही क्लियर हो जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, किस प्रकार से ट्रिक अप्लाई करनी है, और आप चाहें तो स्टडी मटेरियल से नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपके पास समय रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी चीज़ें कोर्स के अंदर होगी, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब कोर्स की जब आप तैयारी करेंगे तो इस कोर्स का यूज अब आने वाले और भी बहुत सारे एग्जाम में कर सकते हैं। तो कम समय के हिसाब से ये सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा आपका, तो इस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं और आने वाले एग्जाम की आप तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ शॉर्टकट ट्रिक्स के 41 वीडियोज मिलेंगे आपको, और उन शॉर्टकट ट्रिक्स के वीडियो से आप ये सीख पाओगे कि कम समय में कैसे जल्दी आंसर देना होता है। और इस कोर्स में आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी पहले से की हुई है तो भी ये कोर्स आपके लिए फायदेमंद रहेगा, रिविजन करने काम आएगा। और अभी तक आपने तैयारी नहीं की है और आपको लगता है अभी कम समय में कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि अगर आप किसी बुक की तलाश कर रहे हैं जो आपकी कम समय आपकी तैयारी करवा देंगी, तो ऐसी कोई पॉसिबल बुक नहीं है जो आपको 1 महीने पूरा कोर्स तैयार करवा दे। अभी आपकी ज़रूरत है
कम से कम समय में किस प्रकार से प्लानिंग बना के तैयारी की जाए। तो इस कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो इस कोर्स से आप जुड़िए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।